अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। आत्मा को जब पहली आत्मा कोई आत्मा जब पहली बार देह धारण किया हो पहली बार तो क्या उसको वो देह में आने से पहले कर्म के बंधन तो नहीं रहा होगा? नहीं, जो चीज अविनाशी होती है उनकी शुरुआत होती है के विनाशी होती है उनकी शुरुआत होती है। विनाशी जो परमानेंट होता है उनकी शुरुआत कब कहोगे? जो चीज परमानेंट है इनकी शुरुआत होती है कि टेम्पररी की होती है? ये मकान टेम्पररी है तो बता सकते हैं ये मकान हमने कब बनाया और जब गिर जाएगा कहेंगे कि ये तारीख को बनाया था और ये तारीख को गिर गया, क्योंकि उसकी बिगिनिंग होती है। तो बिगिनिंग विनाशी की होती है अविनाशी की होती है? आत्मा की शुरुआत नहीं होती है, आत्मा के साथ जो शरीर है उनकी शुरुआत होती है। एक इंद्रिय से क्या बताया, पहला एक इंद्रिय, फिर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, फिर पांच इंद्रिय, सेंसेस, इसके बाद मनुष्य भाव मिलता है। तो मनुष्य भाव में पांच इंद्रिय बनता बुद्धि मिलती है, फिर बुद्धि का विकास होता है और फिर विकास होने के बाद जब अज्ञानता बहुत बढ़ जाती है तब इसको समझ में आता है कि मैंने ये संसार में ये सब कुछ इसीलिए किया, इसीलिए पाया कि सुख प्राप्त करने के लिए, मगर ये सब कुछ सत्ता संपत्ति समझ और साधन मिलने के बाद भी मेरे को सुख नहीं मिला, यानी सुख इसके अंदर नहीं है और कोई जगह होना चाहिए। अगर ऐसा वो सोचते हैं तो फिर भाव करते हैं कि आखिर सुख कहाँ है, उसका ज्ञान बताने वाला कोई अनुभवी मुक्त ज्ञानी उस मेरे को प्राप्त हो, ऐसा वो क्या करते हैं, भाव करते हैं। और भाव से क्या मिलता है, और भाव से संयोग बनता है। तो ज्ञानी कुछ ज्ञान देते हैं एक सुख ये मन वचन काया या पांच इंद्रियों का स्वभाव नहीं है, सुख तो आत्मा का ही स्वभाव है। समझ में आया? मैं विज्ञान स्वरूप हूँ इसका अर्थ मैं विज्ञान स्वरूप हूँ ये शब्द कहाँ से आया है? चरण विधि में आखिरी में बोलते हैं पांच बार अंगूठा लगाकर अभी तक आपने नहीं पढ़ा नहीं समझा बिना समझ बोलते हैं जैसे तोता राम राम बोलते हैं सर, क्योंकि तोता को मालूम नहीं कि राम क्या है। तो मैं विज्ञान स्वरूप हूँ का मतलब है, मैं का मतलब होता है आत्मा। आत्मा विज्ञान स्वरूप ही है, इसके बिना न कोई कर्म जाग होते हैं न कोई कर्म इच्छा होते हैं। तो विज्ञान स्वरूप होने के नाते ही कर्म जाग होते हैं, ये जड़ कोई कर्म जाग और कर्मों के भुगतान भी उसको नहीं होते। तो चेतन होते हैं तो कर्म जाग और निश्चार भी होता है, और अगर चेतन और शरीर के बीच अगर अज्ञान निकल जाए तो वही आत्मा को खुद का अनुभव होता है, खुद की शक्ति का अनुभव। इसलिए आत्मा खुद ही विज्ञान स्वरूप है और आत्मा ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति वाला है। तो आत्मा शाश्वत है और विज्ञान स्वरूप होने के नाते ही कर्म का सर्जन भी उसके निमित्त से होता है और कर्म के भुगतान भी इनके निमित्त से होती है, मगर आत्मा खुद कर्म का सर्जन विसर्जन करता है, उनकी हाजिरी से होता है। जैसे सूर्य नारायण जो है वो सूर्यनारायण की साइंस है, विज्ञान कर है, इसके आधार से ही पूरी दुनिया चलती है, हाँ या ना? सूर्य नारायण की हाजिरी से ही पूरी दुनिया चलती है,
मगर क्या स्टूडेंट पूछ सकता है कि मैं पूरी दुनिया चलाता हूँ? उनकी हाजिरी से चलता है, फिर भी वो कह नहीं सकता है कि मैं दुनिया चलाता हूँ। ऐसे आत्मा की हाजिरी से ही जन्म जीवन मृत्यु होता है, कर्म और कर्म फल होता है, मगर फिर भी आत्मा न कर्मों को चार्ज करता है न कर्मों को डिस्चार्ज करता है, मगर उनकी हाजिरी से होता है। समझ में आया? तो विज्ञान घर फलो वो आत्मा का स्वभाव है। क्या है? कायमी स्वभाव, परमानेंट नेचर। कर्मों का मोक्ष से क्या संबंध? क्या अच्छे कर्म करने से या अच्छे विचार करने से ही मुक्ति संभव है या किसी जन्म में? अच्छे कर्म करने से या अच्छे विचार करने से या अच्छी भावना करने से मुक्ति नहीं है, मगर अच्छा कर्म करने से अच्छा संसार मिलेगा, अच्छे विचार करने से भी अच्छा संसार मिलेगा, अच्छी भावना करने से भी अच्छा संसार मिलेगा, मगर मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो अज्ञान की नाश से मिलेगी। किसका नाश? और अज्ञान कौन सा था वो मैंने बता दिया। मैं शरीर हूँ वो पहला अज्ञान है, और ये मन वचन काया को मैं चलाने वाला हूँ ये दूसरा अज्ञान है। ये दोनों अज्ञान से ही जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है। अगर ये दोनों अज्ञान खत्म हो गया तो जन्म मरण का चक्कर अपने आप विश्व की जनसंख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। और एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि विश्व की जनसंख्या किसी समय 100 करोड़ होगी, अभी 700-800 करोड़ है, तो एक नई आत्मा है कहाँ से आती है नए जीवों के लिए? आत्मा कभी कम नहीं होती है, ज्यादा नहीं होती। आत्मा तो इंटरनल फेरफार होती है। ये पूरी जो पूरा विश्व है वो विश्व के अंदर देव लोक है, मनुष्य लोक है, पशु योनि है और नर्क लोक है। ये चार प्रकार की योनि में प्लस और माइनस होता है। क्या होता है? प्लस और माइनस। आत्मा कम ज्यादा नहीं होता है। अगर इंसान बढ़ गया तो एनिमल कम हो गया। क्या हो गया? पहले इंसान कम था, एनिमल ज्यादा था। लोगों के घर में घोड़े थे, हाथी थे, कभी में आ गया। और अभी तो पिक्चर में दिखाना पड़ता है कि इसको हाथी कहते हैं, नहीं समझ में आया। पहले सबके घरों में था हाथी, घोड़ा, गाय, बड़ा, ये सब लोगों के घरों में क्वांटिटी में था। क्या था? क्वांटिटी। धीरे धीरे उनकी क्वांटिटी कम हो गई और इंसान की क्वांटिटी बढ़ गई। वहां से ही ट्रांसफर हुआ है। दूसरी गति के जीव का डेवलपमेंट होता है तो मनुष्यों में आते हैं। तो जो मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है और दूसरी गति से आए हुए जीवों का नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऐसा होता ही रहता है। जन्म मरण का चक्कर क्या होता है? जन्म मरण का चक्कर चालू ही रहता है। मोक्ष होता है मतलब जन्म मरण से मुक्ति मिलती है, तो फिर वो आत्मा कहाँ जाती है? मोक्ष होता है तो फिर जन्म मरण होता है नहीं है, और जन्म मरण नहीं होता है, वो आत्मा इन चारों गतियों से मुक्त हो जाती है। क्या हो जाती है? चारों गतियों से मुक्त हो जाती है। वो मनुष्य गति में नहीं है, देव गति में, पशु योनि में, नर गति में नहीं है, चारों गति में से मुक्त हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि फिर आत्मा कम हो गई ना, तो व्यवहार राशि में आत्मा कभी कम नहीं होती है, ज्यादा नहीं होती है। जितनी आत्मा ये व्यवहार चारों गति में से मोक्ष में जाते हैं, इतना निगोद में से व्यवहार राशि में आते हैं। ये जो जैन लोग थे उनको थोड़ा समझ में आएगा, कम से कम शब्द तो सुना होगा, भले नॉलेज नहीं होगा पर शब्द तो सुना होगा। तो निगोद है वो चार गति में नहीं आता है,
और सिद्धम चित्रम भी चार गति में है, तो जितने लोग चार गति में सिद्ध जाते हैं इतना निगोद में से व्यवहार राशि में, तो व्यवहार राशि में कभी संख्या कम ज्यादा नहीं होती है। इंटरनल कम ज्यादा हो सकती है, कभी पशु योनि में ज्यादा, कभी इंसान मनुष्य योनि में ज्यादा, कभी देवलोक में ज्यादा, कभी नर गति में ज्यादा, ऐसा इंटरनल प्लस माइनस हो सकता है, मगर टोटल इक्वल रहता है, वो कम ज्यादा नहीं होता है। आत्मा की संख्या फिक्स है, एक चारों गति की बात करता हूँ, ये लोक के अंदर आत्मा की संख्या फिक्स है, सिद्ध क्षेत्र में बढ़ती है, निगोद में कम होती है बस, मगर यहाँ फिक्स है। इस जन्म में भाव किसके नियंत्रित है? इस जन्म में भाव हमारे ज्ञान के ऊपर नियंत्रित है, जैसा ज्ञान वैसा भाव, वो मैंने बताया, बिना ज्ञान तो भाव नहीं होगा ना, तो जैसा ज्ञान वैसा ज्ञान क्या पिछले जन्म से अंतर कैसा को मिलेगा? ज्ञान प्राप्त करने का संयोग पिछले अवतार के कर्मों के ऊपर आधीन है, मगर ज्ञान मिलने के बाद ज्ञान का उपयोग करना वो हमारे इंटरेस्ट के ऊपर आधारित है। क्या बताया, सबको ज्ञान मिलेगा, सबका पुरुषार्थ एक नहीं होगा, सबको टीचर पढ़ता है पढ़ाता है, सब इक्वल नहीं पढ़ते, गुरु सबको शिक्षा देता है मगर सब शिक्षा इक्वल नहीं पाते हैं, तो संजोग मिलना वो उदय करना है और ग्रास करना वो इंडिविजुअल बात है, क्या है व्यक्तिगत बात है, तो ज्ञान का संजोग मिलना वो सबके लिए एक बात है, मगर ज्ञान को ग्रहण करना समझना उपयोग करना अनुभव करना ये व्यक्तिगत बात है, और जैसा ज्ञान को समझेंगे उपयोग करेंगे ऐसा उनके जीवन में प्रगति आएगी, इसी प्रकार से वो भाव करेंगे या तो पुरुषार्थ करेंगे। आया समझ में? स्वामी जी, मन वचन काया की सभी क्रियाएं पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं, मतलब हम मन वचन काया की क्रियाओं को नहीं बदल सकते, तो फिर इस जन्म में किस चीज की स्वतंत्रता है जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं? हमारे भाव करने की स्वतंत्रता हमारे पास है, क्या बताएं, भाव करने की खाली हमारे पास सिर्फ भाव करने की स्वतंत्रता है और कोई स्वतंत्रता हमारे पास नहीं, किसी के पास नहीं है, सब अपने जीवन में प्रयास करते हैं मगर स्वतंत्रता, राम भी रावण को समझाने में फेल हो गए, हार याना कृष्ण भी दुर्योधन को समझाने में फेल हुए, हार याना महावीर भी गोसालों को समझाने में फेल हुए, हाँ या ना, मगर जीवन में सफल हुए, यानी मन वचन काया किसी के हाथ में नहीं है, मगर ज्ञान में रहना कि नहीं रहना वो हमारे हाथ में है। तो मन वचन काया से जो भी अच्छी या बुरी चीजें इस जन्म में हो रही है उससे पाप और पुण्य का बल नहीं बनता है, भाव से बनता है, पाप और पुण्य का बल भाव से बनता है और पाप और पुण्य का बल अज्ञानता से बनता है, भाव कैसे बनता है अज्ञानता से, ये मैंने किया ये मेरा है, ये तुमने किया ये तुम्हारा नहीं है, ये अज्ञानता है, इसी से राग द्वेष होता है, समझ में आया, क्रिया के साथ अज्ञानता जुड़ती है वहां से राग द्वेष शुरू होते हैं, वहां से कर्म शुरू होते हैं, जब क्रिया के साथ अज्ञानता नहीं होती है तो राग द्वेष नहीं बनते हैं और कर्म भी नहीं, समझ में आया,
तो अज्ञानता से कर्म बनता है और अज्ञान खत्म होने से कर्म नहीं बनता है। फिर मन वचन काया क्या करता है, उसमें आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। अगर आप मन वचन काया से अलग रहते हो तो आप समझे। स्वामी जी, स्वामी जी, जैसे कि हमको हम भी जानते हैं कि हमारे नए घर बना रहे हैं और समाज में आने वाले जैसे हम स्लो में आना पड़ेगा। स्लो स्लो करो, हम ये बोल रहे कि हमको हमारे नए घर बना रहे हैं, इससे हम क्या करना पड़ेगा और इस जो आप बात बताए इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा। नया कर्म चार्ज नहीं करना है तो हमको इस दुनिया का सनातन सत्य जानना पड़ेगा, इसका उपयोग करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, तो नया कर्म नहीं बनेंगे। इसीलिए नया कर्म बनेगा ही नहीं। और मैंने कहा कि कौन सी अज्ञानता है वो भी बताया, कौन सी अज्ञानता के सामने कौन सा ज्ञान है वो भी बताया। अज्ञानता क्या है, मैं शरीर हूँ। ज्ञान क्या है, मैं आत्मा हूँ। अज्ञानता क्या है, मैं मन वचन काया से कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, भुगतान कर रहा हूँ। ज्ञान क्या है, मन वचन काया कुदरत चलाती है, वो ज्ञान है। तो ज्ञान भी बताया, अज्ञान भी बताया। अभी आपको उपयोग करना है अज्ञान का तो कर्म बनेंगे, ज्ञान का उपयोग करोगे कर्म नहीं बनेंगे। सभी बातों का मैं बिल्कुल सरल सिंपल और शॉर्ट उत्तर देता हूँ। किताब पढ़ने जाओगे तो 500 पन्ने की किताब पढ़ने के बाद भी आपको जवाब नहीं मिलेगा, वो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस आपके पास है ही, वो मेरे को देने की जरूरत नहीं है। अभी तक का आपको अनुभव है कि हमारे पास कितना ज्ञान है वो आपके पास है। और जब मैंने एग्जाम ले लिया सिंपल एग्जाम, उसका भी उत्तर नहीं दे सकते। तो इसीलिए सिंपल बात है कि जब तक ज्ञान समझ में नहीं आएगा, ज्ञान का उपयोग भी नहीं होगा। और हम ज्ञान समझ के अज्ञान का उपयोग करेंगे तब तक कर्म भी बनेगा और जन्म मरण भी चालू रहेगा। तो ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो सनातन सत्य है, जो कुदरत के कानून के मुताबिक है और सबके लिए एक है। ज्ञान के अंदर धर्म, संप्रदाय, पंथ, क्रियाकार बीच में आता नहीं। समझ में आया? तो पहला ज्ञान है मैं मन वचन काया से मुक्त, ऐसा इसमें कोई धर्म संप्रदाय बीच में आएगा, कोई भगवान की कोई क्रिया बीच में आएगी, कोई गुरु बीच में आएगा, और सबके लिए क्या है। दूसरा ज्ञान है ये मन वचन काया और पांचों इंद्रियों से जो अनुभव में आती है वो पूरी दुनिया कुदरती रचना है। किसकी रचना है, कुदरती। और कुदरती रचना कुदरती कानून से चलती है, और कुदरती कानून क्यों चलाती है, हमारे कर्मों के फलस्वरूप। और इसीलिए कोई भी क्रिया के लिए कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार आज नहीं है, क्योंकि पिछले अवतार के कर्मों के वश कर रहे हैं। फिर भी आज हम इसको कर्ता के रूप में देखते हैं, ये हमारा ज्ञान है कि अज्ञान है। और यही अज्ञान से राग द्वेष, और वही राग द्वेष से जो नया कर्म और नए कर्म से जन्म मरण का चक्कर भी बिल्कुल सरल भाषा में समझ में आ गया कि अभी गोल गोल लगता है। तो विज्ञान सहज है, सरल है और सुगम है, और धर्म बहुत डिफिकल्ट है। क्या है, इतना उपवास करते हैं फिर भी अभी मोक्ष नहीं होता है। समझ में आया।